आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट टू हिस्ट्री ऑनर्स का चैप्टर सिक्स। चैप्टर सिक्स का हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन देख रहे थे और लॉन्ग क्वेश्चन में भाग दो तक बहुत अच्छा था पढ़ लिया था। अगर भाग दो तक आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, प्लेलिस्ट का वहां देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। ये है भाग थ्री। आपको पता है कि पूरा विस्तार से लॉन्ग क्वेश्चन आंसर हम करवा रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि लिखा कैसे जाएगा और इसका आंसर भी पूरा पूरा बता रहे हैं। आपको सिर्फ नोट्स बनाते रहना है बस, और उसके बाद इसको प्रैक्टिस के लिए हम मॉडल सेट भी देंगे कि आपको कितना इसमें समझ में आया, क्या हुआ, आप कैसे लिख पा रहे हैं। जैसे हम ये लिखवा दिए, आप समझ लिए कि आपको लिखने आ रहा है कि नहीं लिखने आ रहा है। मॉडल सेट देंगे और मॉडल सेट में आपको क्या करना होगा, देखना होगा कि लिख कर आपको ये खुद समझना होगा और हम चेक भी करेंगे कि आप कितना क्वेश्चन का सही लिख पा रहे हैं, नहीं लिख पा रहे हैं, क्या ये समझ में आया है कि नहीं। मान लीजिए लिख लिए, नोट्स भी बना लिए, तो आपको प्रैक्टिस तो चाहिए ना मॉडल सेट में, तो वही तो हम करवाते हैं, मॉडल सेट फ्री में देते हैं। तो मॉडल सेट में आपको प्रैक्टिस करके उसी में लिखकर भेजना होता है, किसमें, टेलीग्राम ग्रुप में। तो चलिए आज का क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन क्या है, आज का क्वेश्चन है कि शेरशाह सूरी की उपलब्धियों का वर्णन करें। शेरशाह सूरी की उपलब्धियों का वर्णन करें, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि शेरशाह सूरी के साम्राज्य विस्तार को वर्णन करें या शेरशाह सूरी के भू राजस्व व्यवस्था के बारे में वर्णन करें, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है। या शेरशाह सूरी के युद्धों, ये सैन्य अभियानों का वर्णन करें, या शेरशाह सूरी का चरित्र चित्रण करें। मतलब शेरशाह सूरी से आसपास जितने भी क्वेश्चन आएंगे, ये क्वेश्चन का आंसर ये होगा। अब देखिए ये होगा, आप कहेंगे सब क्वेश्चन का आंसर एक ही कैसे होगा, तो हाँ इंट्रोडक्शन सेम रहेगा, क्योंकि शेरशाह सूरी के बारे में लिखने से इंट्रोडक्शन किसी और के बारे में तो लिखेंगे नहीं, शेरशाह सूरी के बारे में। और एक बात, ये ग्रेजुएशन का एग्जाम है, किसी और कोई और तो एग्जाम है नहीं, तो लगभग यही सब इसके आसपास का क्वेश्चन पूछा जाता है यही, और आंसर ऐसे ही लिखा जाता है। कोई और तरीका नहीं कि ये अलग कोई और बढ़िया तरीका, ये ऐसा कुछ नहीं, सब कुछ लिखा जाता है। थोड़ा ज्यादा में लिखना होता है तो इसीलिए सब कुछ लिख दिया जाता है। अब सैन्य अभियान के बारे में पूछा गया है तो सिर्फ सैन्य अभियान लिखेंगे तो पता चलेगा दो ही पेज में सब भर गया, दो ही पेज में सैन्य अभियान हो गया, अब लिखेंगे बाकी क्या। लिखना होता है कम से कम तो 12-13-15 पेज में, तो 12-13-15 पेज में लिखना होता है। कैसे 15 पेज पूरा होगा, पूरा लिखने पर तब ना पूरा होगा क्या, ऐसा ही पूरा हो जाएगा, ऐसे पूरा हो जाएगा नहीं, पूरा लिखना पड़ेगा। तो इसीलिए समझ लीजिए यही क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। शेरशाह सूरी को सूर वंश का संस्थापक माना जाता है, सबसे पहले बढ़िया से लिखेंगे उसके बारे में। शेरशाह सूरी को सूर वंश का संस्थापक, इनका बचपन का नाम फरीद खां था, ध्यान रखिएगा फरीद खां को अंडरलाइन कर लीजिए। और बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर इस पेन का यूज कर सकते हैं, इस पेन का यूज कर सकते हैं, काला पेन का यूज कर सकते हैं, ब्लू पेन का यूज कर सकते हैं। अच्छा, आपके पास इतना टाइम रहेगा कि आप पेन चेंज करते रहेंगे, आपके पास इतना टाइम रहता है। अगर टाइम है समझ लीजिए आप कुछ और लिख रहे हैं, समझ लीजिए टाइम है तो मतलब आपको आंसर याद नहीं है, कुछ और लिख रहे हैं, नहीं तो अंतिम में क्या होगा, शुरू में तो आपके पास टाइम रहेगा, अंतिम में पता चलेगा वो क्वेश्चन में छूट गया। तो करना ये है चुपचाप के ब्लू पेन से ही, ब्लू पेन सभी लोग लिखते हैं तो ब्लू पेन से ही लिखना है और इसको अंडरलाइन करते जाना है। अब 10 को पेन काहे चेंज करेंगे, अंडरलाइन जिसको करना है ब्लू पेन से उस समय लिख रहे हैं उस समय क्या कर दीजिए अंडरलाइन, तो पता चलेगा दो चार को कलम बदलने के चक्कर में पता चलेगा कि दो तीन को क्वेश्चन में छूट गया। जाइए कलम बदलते रह जाइए, अब क्वेश्चन छूट गया, कलम बदलने से ज्यादा कुछ फायदा होता नहीं, एक दो नंबर का अंतर होता होगा, पता चलेगा 10 नंबर का क्वेश्चन छूट गया। जाइए तो ऐसा नहीं करना है, लिखना एक ही कलम से, 10 को काहे 10 को 15 को दिमाग खराब कीजिएगा इधर उधर कलम बदलने में, बस आपको लिखना बस एक ही पेन से है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आप चाहे तो बदल सकते हैं, समय बहुत है तो अंतिम में, अगर मान लीजिए अंतिम में समय बचे तो कर सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन हम तो कहेंगे ब्लू पेन से ही लिखिए, पूरा लिखिए वही बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर लिखेंगे कि फरीद खां था, इनके प्रशासनिक कुशलता के कारण कई राजाओं के यहाँ कार्य किए और दक्षिण बिहार के सूबेदार बहार खान लोहानी के यहाँ भी नियुक्त हुए। इनके प्रशासनिक शुरू से ही बहुत प्रशासनिक मतलब प्रशासन में इनको बहुत ज्यादा दिलचस्पी था, जिसके कारण ये प्रशासन में काफी उन्नत कर रहे थे। उन्नत का मतलब ये होता है कि काफी कुछ प्रशासनिक की जिम्मेवारी के बारे में सीख गए थे, भले ही राजा के लड़का नहीं थे लेकिन राजा के यहाँ काम करने से प्रशासनिक जिम्मेवारी के बारे में सीख गए थे। युद्ध कैसे लड़ना है, रणनीति कैसे बनाना है, घोड़ा कैसे चलाना है, मतलब घोड़ा कैसे दौड़ाना है। बहुत लोगों को तो घोड़े पर बैठने नहीं आता है, घोड़ा पर बैठेंगे पता चलेगा उठा के घोड़े फेंक दिया, या दौड़ने लगा घोड़ा पता चलेगा घोड़ा दौड़ रहा है ये लोग गिर गए नीचे। तो ये सब राजाओं का आता है, ये सब राजाओं को उस समय आना चाहिए होता है कि मान लीजिए घोड़ा तो उछला भी ऐसे तो घोड़ा को ऐसे पकड़ कर रखे और तलवार भी चलाना होता है, एक हाथ से घोड़ा को पकड़े हुए एक हाथ से तलवार चला, पता चला कि एक हाथ से तलवार पकड़ने में अपने घोड़ा के नीचे गिर गए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, घोड़ा बहुत अच्छा चलाने आना चाहिए राजाओं को। तो ये सब इनको आता था। अब यहां तक लिख लिया ना, अब उसके नियुक्त हुए, उसके बाद यह एक कहानी,
यह एक कहानी माना जाता है कि शेर शाह सूरी द्वारा एक शेर मारने के कारण इनका नाम शेर खा, इनको शेर खा की उपाधि दी गई, जब से उसी समय से इनका नाम शेर शाह सूरी पड़ गया। इनका नाम क्या पड़ गया? शेर शाह सूरी। आगे बढ़ते हैं। अब युद्धों में भागीदारी, युद्धों में क्या भागीदारी लिखेंगे, युद्धों में भागीदारी इनके कैसे कैसे युद्ध में भागीदारी हुआ। इन्होंने बहुत सारे राजा बनने से पहले बहुत सारी युद्धों में भागीदारी, बहुत सारे युद्ध इन्होंने लड़ा, राजा बनने से पहले बहुत सारे युद्ध लड़ा और बहुत सारे राजाओं की तरफ से इन्होंने युद्ध लड़ा। अब देखिए बहुत सारे राजाओं की तरफ से युद्ध इन्होंने कैसे लड़ा, यहाँ पर लिख लिया बहुत सारे राजाओं की तरफ से युद्ध लड़ा, ये युद्ध में भागीदारी लिखकर अंडरलाइन करूँ उस पर। सबसे पहला 1528 चंदेरी का युद्ध, ऐसे करके अंडरलाइन डैश। ये चंदेरी का युद्ध किसके किसके बीच में होता है पता है आप लोगों को? मेदिनी राय और बाबर के बीच में, दोनों के बीच में हुआ था ना, मेदिनी राय और बाबर के बीच में। आप कहेंगे अरे उस समय तो शेर शाह सूरी का जिक्र नहीं हुआ था, क्या ये भी इस युद्ध में था? हाँ, ये भी चंदेरी के युद्ध में लड़ रहा था। कौन? बाबर के साथ में लड़ रहा था शेर शाह सूरी। बाबर की सेना की तरफ से कौन लड़ रहा था? शेर शाह सूरी। समझ लीजिए कि राजनीतिक पार्टी हो गया, राजनीतिक पार्टी में समझ लीजिए ये बाबर का एक राजनीतिक पार्टी हो गया, बाबर समझ लीजिए पार्टी, उदाहरण देकर समझा रहे हैं, बाबर का पार्टी हो गया। पहले कार्यकर्ता के रूप में कौन काम कर रहा था? शेर शाह सूरी कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा था, बाद में अपना पार्टी बना लिया, मतलब खुद राजा बन गया। पहले तो कार्यकर्ता के रूप में, तो इस पार्टी से उस पार्टी में, उस पार्टी से उस पार्टी में, उस पार्टी से उस पार्टी में, देखिए कैसे पार्टी बदलेगा। कौन? ये शेर शाह सूरी, क्योंकि ये योग्य था, योग्य होने के कारण सभी राजा चाहते थे कि ये हमारे में शामिल हो जाए। अब कोई नेता, प्रचलित नेता होता है तो सभी पार्टियां चाहती है कि वो नेता हमारे में आ जाए, हमारे में आ जाएगा तो वोटवा ज्यादा मिलेगा। तो यहाँ पर तो पार्टी की बात थी नहीं, वोट ज्यादा नहीं मिलना था, कुशल योद्धा की बात थी, तो सभी लोग चाहते थे कि ये कुशल योद्धा किस में आ जाए, हम में आ जाए। अब आप भी समझिए, क्रिकेट विकेट खेलते हैं ना जी, क्रिकेट खेलते हैं, कबड्डी खेलते हैं आप लोग, तो चाहते हो है ना कि जो बढ़िया खेलता है वो हमारे पक्ष में रहे तभी ना हम जीतेंगे। तो वैसे सभी लोग चाहते थे कि ये कौन कुशल प्रशासनिक, ये प्रशासन ये चला सकता है, युद्ध बढ़िया से लड़ सकता था शेर शाह सूरी, इसीलिए सभी लोग चाहते थे शेर शाह सूरी उनके सेना में रहे। तो यहाँ पर लिखेंगे 1528 के चंदेरी का युद्ध, यहाँ पर लिखेंगे यह युद्ध बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ था, यह युद्ध बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ था, मेदिनी राय के बीच हुआ जिसमें बाबर की सेना की तरफ से, बाबर की तरफ से शेर शाह सूरी ने भी इस युद्ध में भाग लिया था। उसी समय बाबर शेर शाह सूरी को शेर शाह सूरी के कुशलता को पहचान गया, बाबर शेर शाह सूरी की कुशलता को पहचान गया। उसके बाद यहाँ पर लिखेगा 1529 घाघरा का युद्ध, इसमें और भी आप आगे लिख सकते हैं, युद्ध होने के बाद बाबर और मेदिनी राय के युद्ध होने के बाद बाबर इस युद्ध को जीत गया। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए किसी भी चुनाव को जीतने के लिए नेता सिर्फ महत्वपूर्ण थोड़े होता है, कार्यकर्ता, नीचे वाला कार्यकर्ता महत्वपूर्ण होते हैं, नीचे कार्यकर्ता बढ़िया काम नहीं करेंगे तो वोट मिलेगा नहीं, वोट नेता से सिर्फ नहीं ना मिलता है, नीचे वाला कार्यकर्ता भी मजबूत होने चाहिए। ठीक वैसे ही युद्ध सिर्फ राजा से थोड़ा जीता जाता है, बाबर होने से युद्ध जीत लिया जाएगा नहीं, ये नीचे वाले सब मजबूत थे इसमें। आगे बढ़ते हैं। 1529 घाघरा का युद्ध, यह युद्ध बाबर और अफगानी सेना के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में शेर शाह सूरी बाबर की तरफ से न लड़कर अफगानों की सेना की तरफ से लड़ रहा था, लेकिन फिर भी अफगानों की सेना की हार हुई। अब अफगानों की सेना की तरफ से इस बार लड़ रहा था, पार्टी बदल दिया, शेर शाह सूरी किस में, पहले बाबर की तरफ से लड़ रहा था, अगला युद्ध में किससे, घाघरा के युद्ध में अफगानों की सेना की तरफ से लड़ने लगा, फिर भी क्या हुआ, ये युद्ध जीत गया, क्योंकि देखिए बाबर ये शेर शाह सूरी मजबूत था, लेकिन आपको बढ़िया हथियारे नहीं मिलेगा, बढ़िया साथी नहीं मिलेगा, बढ़िया रणनीति नहीं बनेगा, तो कैसे युद्ध जीत सकते हैं? युद्ध जीतने के लिए सब चीज जरूरी होता है, रणनीति जरूरी होता है, बढ़िया हथियार, कुशल सैनिक, कुशल घोड़े, बढ़िया राजनीतिक समझ, जो फील्ड पर जिस मैदान पर युद्ध हो रहा है उस मैदान की समझ, ये सब जरूरी होता है, सब कॉम्बिनेशन एक जगह बैठता है तब युद्ध जीतते हैं। ऐसे नहीं कि हवा में तीर चलाए और युद्ध नहीं जीत गए, हवा में तीर चलाएंगे पता चला अपने तीर अपने पाक लग गया, ऐसा नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो घाघरा की युद्ध हो गया ना, घाघरा की युद्ध में, अब घाघरा के युद्ध में ही यहाँ पर लिख लिया घाघरा की युद्ध अफगानों की सेना के, ये बाबर और अफगानों की सेना के बीच लड़ा गया और जिसमें अफगानों की सेना की तरफ से शेर शाह सूरी लड़ रहा था, लेकिन सेना ये अफगानों की सेना की हार हुई, लेकिन
उसी समय बाबर ने हुमायूं को ये बात समझा दिया था, अपने बेटा हुमायूं को समझा दिया था कि इससे ये शेर शाह सूरी से तुम सावधान रहना। किसे समझाया था? बाबर ने समझा दिया था हुमायूं को, हुमायूं बाबर का लड़का, जो हुमायूं था बाबर का बेटा था ना, बाबर का लड़का कौन था? बाबर का जो लड़का था वो कौन था? हुमायूं। हुमायूं को उसी समय समझा दिया था किसने? बाबर ने। यहाँ पर भले ही जीत गया था बाबर ये घाघरा के युद्ध में, लेकिन उसी समय समझा दिया गया हमारे बात तो राजा तुम ही बनोगे ना, लेकिन ये शेर शाह सूरी जो है इससे तुम सावधान रहना, ये अभी हार गया है, बाकी तुम्हारे लिए खतरा आगे बन सकता। क्या बन गया? हुमायूं को राजगद्दी से कौन हटाया? शेर शाह सूरी ही हटाया था ना, समझिए। शेर शाह सूरी उस समय प्रचार कर रहा था, ये छोटे लेवल पर कार्यकर्ता था, बाद में जब अपना पार्टी बना लिया तो कहां पर पहुंच गया आप देखिए रहे हैं। पार्टी बनाने का मतलब हम ये नहीं कर रहे चुनाव लड़ रहे, नहीं, हम ये कह रहे हैं कि एक राजा, कुशल राजा, उसको सेना मिल गई तो कैसे कुशल राजा बन आगे बढ़ते हैं। घाघरा का युद्ध और 1539 लिखेंगे चौसा का युद्ध। 1539 यहाँ पर अब लिखेंगे 1539 आते आते शेर शाह सूरी ने अपने एक सेना को संगठित कर लिया था। शेर शाह सूरी ने क्या किया था? अपने सेना को संगठित कर लिया और इसके पास भी एक बड़ी मात्रा में सेना हो गई, जिसके कारण ये अब हुमायूं ही शासक था ना 1539 में, कौन शासक था? हुमायूं। जिसके कारण अब हुमायूं से ये सीधा सीधा सामना करने के लिए तैयार था, लेकिन हुमायूं की जितनी इसकी सेना नहीं थी, इसीलिए हुमायूं को अपने रणनीति के जाल में फंसाया। शेर शाह सूरी ने अपने रणनीति के जाल में फंसाया और चौसा के मैदान में जाल में फंसाया और चौसा के मैदान में हुमायूं को आने पर मजबूर कर दिया। जिसके कारण जैसे ही हुमायूं चौसा के मैदान में आया तो जो शेर शाह सूरी उसको सामने नहीं आया। और वो चुनार के किला में छुपा रहा। 3-4 महीना तक हुमायूं चुनार के किला को घेर कर रखा, जिसके कारण ये हुमायूं को ये बात पता नहीं थी। यहाँ पर सब लिखना, हुमायूं को ये बात पता नहीं थी कि चौसा के मैदान में बाढ़ आता है और बाढ़ के कारण हुमायूं की अधिकतर सेना पानी के बहाव में, तेज बहाव में बह गई। यहाँ तक कि हुमायूं भी पानी के तेज बहाव में बह गया और यहाँ पर शेर शाह सूरी की जीत मानी गई। शेर शाह सूरी की जीत हुई। ये बात समझाया था बाबर, नहीं समझाया था हुमायूं को कि देखो इससे बच कर रहना, इससे दूर रहना। तो बाबर के जाने के बाद ये बात हुमायूं को समझ में नहीं आया कि शेर शाह सूरी से दूर रहना। अब देखिए 1540 में बेलग्राम का युद्ध, ये लोग यहाँ पर बढ़िया से लड़ नहीं ना पाए थे चौसा में लड़ पाए थे शेर शाह सूरी और बाबर आमना सामना ज्यादा नहीं हो पाया था। होता है ना कि दो गो बच्चा भी लड़ रहा है, पता चला दो गो मान लीजिए यहाँ पर लड़ रहा है, दो गो लड़ रहा है बच्चा, दोनों लड़ रहा है तो दोनों के घर वाले पता चला आ गए तो उसको छुड़ा कर अलग अलग कर दिया, जाओ अपने घर जाओ। दोनों का मन में खींच रहा था कि बढ़िया से लड़ाई नहीं हुआ है, आओ तुम मिलो कभी, बढ़िया से लड़ाई कर लेते। पता चला फिर मिल गए कहीं पर ऐसे, मतलब एकदम मैदानी भाग में, बढ़िया जगह में, तो वहां पर एकदम जम के मार पिटाई हो जाती है ना, ठीक वैसा ही ये लोग मिल गए बेलग्राम का युद्ध में। अब लिखेंगे 1540 में बेलग्राम यानी कन्नौज के युद्ध में शेर शाह सूरी और हुमायूं आमने सामने हुए और यहाँ पर एक भीषण युद्ध हुआ और हुमायूं की सेना बुरी तरह से पराजित हुई और हुमायूं को दिल्ली छोड़कर भागना पड़ा। और इसी समय शेर शाह सूरी दिल्ली को जीत लिया और दिल्ली के राजगद्दी पर शेर शाह सूरी बैठा और सूर वंश की स्थापना कर दिया। क्या कर दिया? सूर वंश की स्थापना कर दी। उसके बाद लिखेंगे शेर शाह सूरी का राजनीतिक अभियान। कब बैठा था ये? 40 में बैठा था ना। तो यहाँ पर गखर से युद्ध, अब यहाँ पर एक नंबर में लिखेंगे गखरों से युद्ध 1541 में। इसने गखर जनजाति से युद्ध किया 1541 में। इसने गखर जनजाति से युद्ध किया जिसमें युद्ध का कोई ज्यादा परिणाम नहीं निकल पाया, युद्ध का परिणाम नहीं निकल पाया और गखर जाति एक अस्थायी रहने वाले लुटेरे जनजाति थे, आते थे और लूटपाट मचाकर चले जाते थे। उनसे बचने के लिए शेर शाह सूरी ने रोहतासगढ़ का किला का निर्माण करवाया। उसके बाद ये 1541 में हुआ। 1542 में शेर शाह सूरी ने मालवा को भी जीत लिया, मालवा पर आक्रमण करके मालवा को भी जीत लिया। उसके बाद रायसिंह 1543
1543 में इसने रायसेन पर आक्रमण किया और यहाँ के जो राजा थे पुनर्मल, यहाँ के राजा पुनर्मल को इसने हराया। लेकिन ये माना जाता है कि ये छल से उनको हराया था, ये उनको छल से हराया था और शेरशाह सूरी के जीवन में एक कलंक के रूप में रायसेन अभियान माना जाता है। उसके बाद 1544, अब ये पता है कलिंजर वाले बताया थे ना, कलिंजर में युद्ध काहे किया था, धन के लिए ना, धन के लिए नहीं, काहे युद्ध किया था कलिंजर वाला, आप लोग बढ़िया से बताए हैं। देखिए यहाँ पर लिखे 1544 में इसने कलिंजर अभियान किया, जिसके दौरान इसको कलिंजर के राजा कीरत सिंह से इसने नाचने वाली दासियां मांगा था, नाचने वाली दासियों को मांगा था, लेकिन कीरत सिंह ने दासियों को देने से मना कर दिया, जिसके बाद शेर शाह सूरी ने कलिंजर पर आक्रमण किया और एक तोप का गोला फेंकते समय गोला कलिंजर के किला से टकराकर वापस शेर शाह सूरी के सेना में ही गिर गया, जिसके बाद शेर शाह सूरी की मृत्यु हो गई। यहाँ पर लिखा शेर शाह सूरी की मृत्यु हो गई और इसके बाद इस्लाम शाह इसका बेटा शासक बना। उसके बाद लिखे प्रशासनिक व्यवस्था, यहाँ पर अब लिखेंगे प्रशासनिक व्यवस्था, लिखकर अंडर रखे होगी इसके प्रशासनिक व्यवस्था भी लिखना है। यहाँ पर लिखे प्रशासनिक व्यवस्था बहुत ही कुशल था और केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था था, ये कुशल योद्धा होने के साथ साथ एक कुशल योद्धा होने के साथ साथ ये अपने प्रजा का भी काफी अच्छा ध्यान रखता था। और यहाँ पर लिखे केंद्रीय प्रशासन, केंद्रीय प्रशासन में कार्यपालिका न्यायपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका इसी के जिम्मेवारी में थी और सैनिक भी, कार्यपालिका न्यायपालिका और सैनिक भी सभी लोग इसी के जिम्मेवारी में थे और इसी के कहने पर सभी लोग कार्य करते थे, न कि इसने शक्तियों का विभाजन किया था। प्रांतीय व्यवस्था, इसने बड़े साम्राज्य होने के कारण, अपना बड़ा साम्राज्य होने के कारण सभी क्षेत्रों को प्रांतों में बांट दिया था और हर प्रांत का को सूबा बोला जाता था और हर सूबा का एक सूबेदार नियुक्त किया था, हर सूबा का सूबेदार नियुक्त किया था। उसके बाद छोटी छोटी प्रशासनिक इकाइयां भी बनाई थी जिसमें था सरकार, परगना और ग्राम, और आपको इसे ऐसे बनाकर दर्शाना है, सरकार बड़ा था, सबसे बड़ा सरकार, उससे छोटा परगना, उससे छोटा ग्राम, यानी ग्राम से बड़ा परगना, परगना से बड़ा सरकार और सरकार से बड़ा प्रांतीय व्यवस्था, यानी सूबा भी यहाँ पर लिख सकते हैं, सूबा, सूबा इससे भी बड़ा था, ऐसे करता है कि एग्जामिनर को नजर पड़े। अब यहाँ पर लिखेंगे भू राजस्व व्यवस्था, सबसे बेहतरीन इसकी भू राजस्व व्यवस्था थी। अब भू राजस्व व्यवस्था के बारे में लिखना होता अंडरलाइन डैश करके भू राजस्व व्यवस्था लिखेंगे। अब इसमें सबसे बेहतरीन इसने इसकी भू राजस्व व्यवस्था थी, भू राजस्व व्यवस्था में इसने पट्टा, इसने पट्टा और कबूलियत चालू किया। पट्टा में किसानों को राजा द्वारा एक लिखित संदेश भेजा जाता था जिसमें ये लिखा रहता था कि किसानों को कितना जमीन है और कितना उनको कर देना पड़ेगा, जिसके बाद किसानों द्वारा कबूलियत एक संदेश होता था वो राजा के पास किसानों द्वारा भेजा जाता था और किसान ये उसमें स्वीकार कर देते कि हाँ हमारा इतना खेत है और हम इतना लगान, हमारा खेत इतना है और हम इतना लगान देंगे। तो भू राजस्व व्यवस्था बहुत ही बेहतरीन थी जिसके कारण इसको टैक्स मिलने में कोई दिक्कत नहीं होता था। आगे सैन्य व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था भी बहुत ही बेहतरीन थी जिसके कारण इसको कई युद्ध जीतने में मदद मिले। सैन्य व्यवस्था, ये खुद सेनापति अपने सेना का खुद ये सेनापति था, जिसके बाद ये सैनिकों की नियुक्ति खुद करता था और सैनिकों की नियुक्ति उनके कार्य कुशलता के आधार पर की जाती थी, न कि जाति और वंश के आधार पर की जाती थी। और ये सैनिकों का वेतन भी उनके कार्य कुशलता के आधार पर ही निर्धारित करता था। इसने हुलिया, देखिए इसने क्या किया था, दाग और हुलिया प्रथा भी शुरू किया था, दाग और हुलिया, अलाउद्दीन खिलजी की तरह दाग और हुलिया, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, दाग और हुलिया शुरू किया था, हुलिया प्रथा शुरू किया था, जिसके अंतर्गत घोड़ों को दागा जाता था, घोड़ों को दाग कर उनको चिन्हित किया जाता था कि ये हमारे घोड़े हैं, और सैनिकों का हुलिया लिखा जाता था कि उनका हुलिया कैसा है, ताकि पहचान किया जा सके कि ये हमारे सैनिक है। मुद्रा प्रणाली भी ये इसकी बेहतरीन थी, जिसमें कई प्रकार की इसने मुद्रा चलाया था, सोना का, चांदी का और तांबा का मुद्रा चलाया था। और ये सोना वाला तो आपको पता है असरफी कहा जाता था, इसमें लिखे सोना वाला को असरफी कहा जाता था और चांदी वाले सिक्कों को रुपया कहा जाता था और तांबा वाले सिक्कों को दाम कहा जाता था। और उसके बाद यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि सोना वाला ऊंचे वर्ग के लोगों के लिए चलाया गया था,
ऊंचे वर्ग के लोगों को जीवन यापन के लिए चांदी वाला मध्यम वर्ग और दाम वाला निम्न वर्ग के लोगों के लिए चलाया गया था। उसके बाद मौद्रिक प्रणाली हो गया ना, मुद्रा वाला प्रणाली। उसके बाद नीचे लिख देंगे कि शेर शाह सूरी, अब निष्कर्ष लिखेंगे नीचे इसके, अब एकदम नीचे अब निष्कर्ष लिखेंगे। शेर शाह सूरी कुशल योद्धा, कुशल योद्धा, कुशल साम्राज्य निर्माता था। यह अपने जीवन में बहुत ही बेहतरीन कार्य किए और ये राजा राज घराने से न होता हुआ भी दिल्ली के राजगद्दी पर बैठा और अपने सूर्य वंश की स्थापना किया। बस खत्म। हम लगते हैं बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। और आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। और इसका आप लोग नोट्स बनाते रहिए, ये सब का क्या कीजिए, नोट्स बनाते रहिए। चलिए आज का क्वेश्चन एक बता देते हैं, क्वेश्चन का आंसर आपको खुद लिखना होगा। चलिए बताइएगा कि दाम और रुपया का अनुपात कितना होता था, शेर शाह सूरी के समय दाम और रुपया का अनुपात कितना था। और दूसरा जो क्वेश्चन है, दूसरा देखिए, दूसरा भी क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि हुमायूं निर्वासित जीवन के दौरान, हुमायूं जो था निर्वासित जीवन के दौरान कहां निकल गया, मतलब कहां पर ये गया था, भारत से निकलकर कहां पर गया था अपने सेना को संगठित करने के लिए। चलिए दो क्वेश्चन हो गया, तो हमें लगता समझ में आ गया होगा। इसमें आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमें लगता समझ में आ गया होगा।